माशाल्लाह, ये तो बहुत अच्छी खबर है। हाँ, कर दी उन्होंने। एक किसने करवाया रिश्ता? कोई रिश्ते वाली खातून है, उन्होंने करवाया। उस रिश्ते वाली खातून का नंबर दे दो मुझे। मेरे पास तो नंबर नहीं है उनका। अच्छा ठीक है, फिर अपनी अम्मी का दे दो, मैं उनसे खुद पूछ लूंगी। अम्मी का नंबर? हाँ हाँ, अम्मी का बोलो। 0। सो ये उमेरा अहमद का स्क्रिप्ट मुझे मोशन कंटेंट ग्रुप ने, मिसबा शफीक ने दिया एंड शैलजा ने दिया कि इसको प्लीज़ देखो। उस वक्त आई थिंक 7-8 एपिसोड लिखे गए थे, तो उन्होंने कहा ये तुम्हारा, ये तुम्हें 100% करना है। तो मैंने कहा ओके, आई रेड इट, इंटरेस्टिंग था, बट आई सेड यार मैंने रिश्ता और वो सब मैंने नहीं करना, वही होगा। दे सेड नहीं, प्लीज़ तुम और भी एपिसोड्स पढ़ो। सो देन आई टुक द वर्ड फॉर इट, पढ़ा और बहुत मज़े का लगने लगा। एंड मैंने, शुक्र है कि मैंने उनकी बात मान ली। तो वही है, कितनी आसानी से मुझे कैसे मिल गया। हेलो, थैंक यू फॉर एक्सेप्टिंग माय फ्रेंड रिक्वेस्ट फाइनली। ओ हाय, थैंक यू फॉर टच बेसिंग। यार कमाल की इंग्लिश है। सो एक झूठी लव स्टोरी की एक मज़े की बात यह है कि जो एक्सपीरियंस था, मैंने सबको इनफैक्ट सेट पे भी कहा कि मुझे याद आ रहा था जब मैंने दाम किया था उमेरा के साथ 10 साल पहले, और मेरा वन ऑफ माई फेवरेट सीरियल्स है, वही एक्सपीरियंस मुझे एक डेजा वू हो रहा था। एंड द रीज़न इज़ के इंटरफेरेंस, क्रिएटिव इंटरफेरेंस नहीं थी। जो भी डिसीजंस फ्रॉम द प्रोड्यूसर साइड जो भी आ रहे थे वर फॉर द बेनिफिट ऑफ द प्रोजेक्ट। तो एक जब खुली छुट्टी आपको मिले कास्टिंग में, लोकेशंस में, वार्डरोब में, कि आप सिर्फ उस कहानी की इंटेग्रिटी को रखें और कुछ ना सोचें कि यू नो कि ग्लैमर होना चाहिए या ये होना चाहिए, तो ऑटोमेटिकली आपकी कहानी जिंदा हो जाती है। सो एंड द अदर थिंग इज़, मुझे बहुत एक, मैं खुशकिस्मत हूँ कि द एंसेंबल कास्ट मुझे बहुत अच्छी मिली है। मैं यार अपना और अपनी बेटियों का इतना बुलंद कर दिया कि उन पे कोई पूरा उतरता नहीं है। अरे तुम्हारी जबान से जहरीला मादा टपक रहा है जो मेरे चीते पड़ रहे हैं मेरे ऊपर। क्यों देखें एक झूठी? बिकॉज आई रियली थिंक किसी ने कहा था, आई थिंक फेसबुक पे मेरे, कि ये एक ऐसी है कि आप अंदर रजाई, अगर गर्मियाँ सर्दियाँ हैं तो रजाई में घुस के एक हॉट वाटर बॉटल रख के फ्रेंच फ्राइज साथ रख के देख सकते हैं। अस्सलाम वालेकुम बहन, विल यू मैरी मी? मैं ख्वाब तो नहीं देख रहा। एक मैं कहूँगी, एक झूठी लव स्टोरी का जॉनर आई वुड से, जो मैं हर जगह रिपीट कर रही हूँ, इट्स नॉट उस तरह की फुल ब्लोन कॉमेडी, इट्स नॉट हा हा ही हर कुछ जोक्स हर मिनट नहीं आ रहे, बट इट इज़ जो सिचुएशनल कॉमेडी है और इट्स अ सोशल कॉमेंट्री ऑल्सो। सिर्फ हंसी मजाक फॉर द सेक ऑफ हंसी मजाक नहीं है इसमें। उमेरा ने बहुत कुछ कहा भी है अबाउट द वर्ल्ड वी लिव इन और जिस तरह का हमारा करंट सेटअप है। कैसे रिश्ते चाहिए आपको? एक बेटी के लिए बहुत पढ़ा लिखा अफसर हो, दूसरी के लिए US या UK का हो, बाहर का हो। सो बहुत ही कंटेम्प्रेरी और बड़ा रिलेटेबल कॉन्टेंट है ये। सो आई एम एक्साइटेड एंड आई अगेन उमेरा को इस तरह के और लिखने चाहिए।